अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7.5 का। देखिए दिया गया इंटीग्रेशन 1/x² - 9 dx दिया गया है, ठीक। अगर इसको देखते हैं तो हमारा ये आइडेंटिटी बन रहा है a² - b² का, मतलब कि एक में प्लस और एक में माइनस है, तो ये हो जाएगा 1/x - 3 हो जाएगा और x माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमारा सूत्र बन रहा है। उसके बाद dx, अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था सेम इसको यहाँ पे करना है, तो a/x - 3 हो जाएगा और दूसरे वाले में b/x + 3 हो जाएगा, ठीक। अब दोनों का लाशा ले लेंगे, इसको पहले हटा देते, तो दोनों का लाशा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x + -3 और ये x + 3 = a x + 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b x - 3 अपान, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 3 और ये हो जाएगा x + 3। ये दोनों देखिए कैंसिल हो गया, तो बचा है 1 = a x + 3, उसके बाद प्लस b x - 3। तो यहाँ पर देखिए हमें यस का वैल्यू, बी का वैल्यू जीरो करना, तो यस का वैल्यू क्या रख देंगे, यस का वैल्यू अगर हम लोग 3 रख देंगे तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा बच्चे का, ये तो यहाँ पर हो जाएगा 1 = ये हमारा हो जाएगा 3 + हो जाएगा 6, तो 6a हो जाएगा, तो a = आ जाएगा 1/6 हमारा आ गया, ठीक। अब इसके बी के लिए हम लोग करेंगे तो बी में देखेंगे, बी मतलब कि हमें a का वैल्यू जीरो करना, a का वैल्यू जीरो करने के लिए यस का वैल्यू हमें -3 लेना पड़ेगा, जब -3 लेंगे तो माइनस और प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 1 = आ जाएगा 1 = हो जाएगा -6b हो जाएगा, ट्रांसफर मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड भेजेंगे तो -1/6 = bb का वैल्यू आ गया। अब ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में हम राइट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/6 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x - 3 के बाद dx हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी है प्लस का लेकिन इसमें माइनस है तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -1/6 ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x + 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद dx है, अब इसको जब समाकलन करेंगे तो 1/x का लॉग होता है, तो 1/ दोनों में 6 1/6 कॉमन है, ठीक, तो ये हो जाएगा लॉग x - 3 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर भी जब इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा log x + 3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस हमारा से इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब ये देखिए लॉगरिथमिक रूल के अकॉर्डिंग ये माइनस है तो बटन में हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो माइनस सेक्स में है, तो 1/6 है तो हो जाएगा log x - 3/x + 3 हो गया, उसके बाद प्लस c, तो हमारा फाइनल आंसर ये आया।